बात अब पवन पुत्र हनुमान जयंती की। शहर के मशहूर वासुदेव तीर्थ स्थल पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। वासुदेव तीर्थ पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उपरांत सामूहिक भंडारे का आयोजन दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वासुदेव प्रबंध समिति के अध्यक्ष व समिति के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ कमाने की बात कही है। शहर के मशहूर वासुदेव तीर्थ स्थल पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। वासुदेव तीर्थ पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उपरांत सामूहिक भंडारे का आयोजन दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वासुदेव प्रबंध समिति के अध्यक्ष व समिति के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ कमाने की बात कही है। बात अब पवन पुत्र हनुमान जयंती की। शहर के मशहूर वासुदेव तीर्थ स्थल पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। वासुदेव तीर्थ पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उपरांत सामूहिक भंडारे का आयोजन दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वासुदेव प्रबंध समिति के अध्यक्ष व समिति के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ कमाने की बात कही है। शहर के मशहूर वासुदेव तीर्थ स्थल पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। वासुदेव तीर्थ पर हनुमान जयंती के पावन पर्व पर श्री हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उपरांत सामूहिक भंडारे का आयोजन दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वासुदेव प्रबंध समिति के अध्यक्ष व समिति के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ कमाने की बात कही है। बात अब सोना व्यापारियों की। सोना ज्वेलरी व्यापारियों ने फिर से अनिश्चितकाल हड़ताल जारी कर दी है। वे अब पूरी तरह से बाजार बंद कर अपनी मांगों को लेकर फिर अनशन पर बैठ गए हैं। मुरादाबाद सहित ज्वेलरी व्यापारियों ने यहां बेगम सराय कला के मंदिर में बैठक कर ज्वेलरी व्यापारियों को एकता का परिचय देने पर बल देते हुए फिर से सराफे की दुकानें बंद कर हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया था। मुरादाबाद सहित व्यापारियों के आग्रह पर तभी सराफा एसोसिएशन का गठन कर संचालन समिति भी गठित की गई, जिसके बैनर तले ज्वेलरी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखेंगे। सोना ज्वेलरी व्यापारियों ने फिर से अनिश्चितकाल हड़ताल जारी कर दी है। वे अब पूरी तरह से बाजार बंद कर अपनी मांगों को लेकर फिर अनशन पर बैठ गए हैं। मुरादाबाद सहित ज्वेलरी व्यापारियों ने यहां बेगम सराय कला के मंदिर में बैठक कर ज्वेलरी व्यापारियों को एकता का परिचय देने पर बल देते हुए फिर से सराफे की दुकानें बंद कर हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया था। मुरादाबाद सहित व्यापारियों के आग्रह पर तभी सराफा एसोसिएशन का गठन कर संचालन समिति भी गठित की गई, जिसके बैनर तले ज्वेलरी व्यापारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखेंगे। कॉटन वेस्ट का उद्योग अमरोहा का सबसे बड़ा उद्योग है और पिछले तकरीबन 5 साल की हुकूमत में इस उद्योग के हालात बद से बदतर हुए हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा इस उद्योग का उत्पीड़न किया गया, ख़ास तौर से बिजली विभाग द्वारा, मंडी समिति द्वारा। आज प्रदेश में नई सरकार आई है, इस ट्रेड के व्यापारियों को उम्मीद बंधी है कि अब इसका उत्पीड़न नहीं होगा। चुनाव के दौरान माननीय अखिलेश जी जब अमरोहा तशरीफ लाए थे, अमरोहा आगमन पर हमने अपनी संस्था के द्वारा उन्हें एक ज्ञापन दिया था और उन्होंने यकीन दिलाया था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आती है
तो हम इन मांगों को आपकी पूरा करेंगे। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक जीते, मंत्री बने और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो हमारी उम्मीदें भी बंधी हैं। हमारी मुख्य मांगें कुछ इस तरह थीं कि पावर लूम उद्योग की तरह कॉटन वेस्ट उद्योग को भी बिजली में सब्सिडी दी जाए, बुनकरों की ही तरह धुनकरों को भी सहूलत दी जाए, अन्य प्रदेशों की तरह कॉटन वेस्ट से मंडी शुल्क खत्म किया जाए।